इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। अच्छा, फैसल रियाज जमशेदपुर ही से हैं। ये कहते हैं, एक शख्स बालिग हुआ मगर रोज़े वगैरह की फ़र्ज़ियत और अहमियत के बारे में उसको मालूम नहीं था, और रमज़ान के पूरे 30 रोज़े उसने नहीं रखे। फिर उसने इल्म दीन हासिल किया मगर इल्म दीन इतना मुकम्मल हासिल नहीं कर पाया, कुछ कमी वगैरह रह गई। तो दूसरे रमज़ान में उसने 10 रोज़े रख कर बग़ैर सहरी मजबूरी और 10 रोज़े जानबूझकर तोड़ दिए, इनका कफ़ारा क्या होगा? यानी अगर कोई शख्स बालिग हो गया और अभी बालिग हुआ था लेकिन समझ में अभी छोटा ही था, उसको इतनी अहमियत रमज़ान के फ़राइज़ या इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं होता, और कभी कदार घर वाले भी वाकिफ़ नहीं कराते कि बंदा बालिग हो जाता है तो उसको रोज़े कंटिन्यू नहीं रखवाते, छुड़वा देते हैं, तो ऐसे में वो रोज़े जो आपके छूट गए हैं 30 के 30, तो उनके जो है ना हर रोज़े के बदले एक रोज़ा कज़ा रखना होगा। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि बालिग होने में आपके कितने रोज़े छूटे हों, एक रमज़ान के छूटे हैं तो पूरे 30 रोज़े। अगर दूसरे साल भी यही हाल था तो 60 रोज़े। तो 1 by 1 आप जिस तरह मुनासिब हो, जल्द से जल्द सर्दियों के मौसम में या जैसे भी हो, हफ्ते में 2 या 3 कज़ा रोज़े रखते हुए अपने इन तमाम फ़र्ज़ रोज़ों की कज़ा को मुकम्मल करें जो रमज़ान में आपसे छूट गए थे। अब रहा दूसरे कि अगले साल फिर दोबारा 10 रोज़े बग़ैर सहरी के मजबूरी में रखे और बाकी 10 रखे तो उनको तोड़ दिया, अब इनका क्या कफ़ारा होगा? तो जो 10 रोज़े आपने तोड़े हैं उनको, और तोड़ने का यानी जानबूझकर खा लिया रोज़े को, तोड़ लिया बालिग होने की सूरत में, तो कफ़ारा जो रोज़े का होता है वो पे दर पे यानी बैक टू बैक 60 रोज़े प्लस जो रोज़े टूटे हैं वो रोज़े। तो इस तरीके से आपको जो है ना वो 70 रोज़े होंगे। यानी किसी पर अगर कफ़ारा वाजिब हो जाए रमज़ान के रोज़ों का, और मिसाल के तौर पर 10 रोज़ों में अगर कफ़ारा वाजिब हुआ तो एक रमज़ान में जो है ना 60 रोज़े होंगे। यानी एक रमज़ान में जितने रोज़े टूटे हैं उन सब रोज़े को प्लस करेंगे 60 रोज़ों में, तो इस तरीके से आपके 70 रोज़े तो ये होंगे, और ये 70 जो है ना वो बैक टू बैक होंगे यानी बग़ैर बीच में कोई रोज़ा छूटे हुए। तो अब ये कि सर्दियों ही में ये आसान है कि सर्दियों के महीनों में आप रोज़े रख लें कंटिन्यू, अगर हो सके तो, दिन छोटा होता है, प्यास वगैरह की शिद्दत नहीं होती, तो इस तरीके से अपने रोज़ों को अदा करें। बाकी जो बालिग होने में भी छूट गए उन सबकी भी एक एक उन सबकी एक एक कज़ा मुकम्मल करें, यानी एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखें। और इस मामले से यानी ये जो रोज़े छूटे हैं या तोड़े हैं या टूटे हैं, तो इन सब की जो है वो तौबा भी करना फ़र्ज़ है। इन सब की सच्चे दिल से तौबा भी की जाए, कोशिश की जाए, कुछ रकम सदका या खैरात भी जो है वो दिया जाए ताकि अल्लाह ताला आपके गुनाह में नरमी बरते। तो इसीलिए ये सब मामले तौबा के साथ ही जाएंगे, रोज़े भी रखें, तौबा भी करें, कुछ माल सदका खैरात भी करें। पुरनवार